मंडी धनौरा में योगी सरकार के गड्ढा मुक्त अभियान को जमकर पलीता लगाया जा रहा है। मंडी धनौरा फीनम मार्ग अभी तक गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है। किसानों ने SDM को ज्ञापन सौंप कर मार्ग को गड्ढा मुक्त कराए जाने की मांग की। एक ज्ञापन दिया है, जैसे कि अपना एक गिरा रोड है चार जाता हुआ, वहाँ पे एक एक किलोमीटर का दो जगह बहुत भारी गड्ढे हो रखे हैं। वहाँ पे PWD के लोग वहाँ इस टाइम सड़क बना रहे हैं, लेकिन सड़क वहाँ बना रहे हैं जहाँ वो रोड बना हुआ है अच्छा खासा, लेकिन जो गड्ढे हुए हैं उस पर कोई मरम्मत नहीं कर रहे और उसको छोड़ रहे हैं। तो हमने SDM साहब पास ज्ञापन दिया है कि SDM साहब के माध्यम से जो मेन सड़क है, जो मेन गड्ढे हैं, पहले उन्हें भरा जाए और बाकी सड़क का काम बाद में किया जाए। बीते दिनों एक अभियान चला था सड़कें गड्ढा मुक्त कराने का, योगी सरकार ने दावा किया है कि सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई। अच्छा, आपसे मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ, अभी कह रहा हूँ कि सिर्फ जुमलेबाज की तो सरकार है, कहीं भी देख लो पूरे क्षेत्र में निकल जाओ, सब जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। गड्ढा मुक्त अगर सरकार होती तो पहले तो सरकार खुद गड्ढा मुक्त हो जाए। सब मिट्टी से गड्ढे भरे जा रहे हैं, वहाँ मिट्टी डाल लेते हैं, गड्ढे भरे थे। मेन रास्ता है, मतलब बहुत अच्छा रोड है वो, तो वहाँ पे दुनिया भर का ट्रैफिक चलता है, लेकिन इतनी बुरी हालत है कि देखा नहीं जाता, बच्चे तक पढ़ने जाते हैं उनसे भी नहीं निकला जाता। अब एक तो ये जो फीना मार्ग है, तो इस पर सब कह रहे हैं भाई गड्ढा मुक्त हो जाएगा, ये हो जाएगा, पर गड्ढों में मिट्टी गिरी है, वो मिट्टी एकदम धूल में, मतलब जैसे गाड़ियाँ गई रोड निकल के तीसरे दिन संभव। अब डामर का काम चला है तो गड्ढे छोड़ दिए और दूसरी जगह काम कर रहे हैं। और एक हमारे यहाँ जो ये हमारी समितियाँ हैं, गन्ने की बुआई का समय आ गया चल रहा है, तो वहाँ ना तो DAP है ना NPK है, और जो अब फसल में गेहूँ वाली में लग रहा ना यूरिया है, तो ये दिक्कत आ रही है सबसे बड़ी। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि कृषि अधिकारी जो है, कृषि अधिकारी हमारे, ये सभी समितियों पर खाद उपलब्ध कराएँ, और ये जो PWD वाले हैं अधिकारी, ये भी सुन लेना है, और ना सुनने के तो फिर हमें सड़क पर जाना पड़ेगा, फिर तो ये सुनेंगे। प्ले स्टोर से पब्लिक वाइव ऐप डाउनलोड करें।